What's up मेरे परिवार, क्या हाल है आपके। बैक टू अ न्यू व्लॉग आफ्टर 2 वीक्स। मैं वक्त लेता हूँ व्लॉग्स लाने में, ताकि एक व्लॉग के बाद जब अगला व्लॉग आए ना, तो उसमें वो ऊर्जा, वो एनर्जी लेवल सेम हो, उसमें गिरावट ना हो, वो क्वालिटी मिलनी चाहिए ना। टायर क्या है, जब तक गर्म ना हो तब तक इसमें घर्षण की क्रिया चालू रहती है। जब वार्म अप हो जाता है उसके बाद ग्रिप पकड़ता है, ये घिसता है और खिसकता है रोड को छोड़कर। बिगर क्वेश्चन इज दैट कि कहाँ गायब रहते हो दो दो हफ्ता। उस एनर्जी लेवल को, उस ऊर्जा को वापस से केंद्रित किया जाता है, जो ऊर्जा आपके लिए प्रीवियस ब्लॉग में लाई गई है। जस्ट लाइक दिस ब्रो, यो यो यो, कुछ इसी तरह से करते हैं हम सीन सपाटा और व्लॉग्स आते रहते हैं आपके लिए नित दिन। भले ही थोड़ा विलंब हो जाए हमें कभी कभार, पर वो विलंब जो है वो अगली बार जो व्लॉग आता है उसमें उसकी पूर्ति हो जाती है, उसमें वो क्वालिटी, उसमें वो मज़ा आपको मिल जाता है, जो मज़ा प्रीवियस डेज में व्लॉग ना आने की वजह से आपका खंडित हुआ, वो आनंद आपको हम वापस ला के दे देते हैं अगले व्लॉग में। शब्द भेदी बाण की तरह है, मेरा वाहन ना चले तो फिर बात ही क्या रह जाए इस जीवन में। एक सुपर बाइक को ओन करने के क्या प्लस पॉइंट्स, अगर वो सुपर बाइक आपको वो ताकत प्रदान ना करे वायु को भेदते आगे बढ़ने की। देखो दोस्तों, प्रकाश की गति हम सबके अंदर है, पर वो हमारे मन के किसी अंधेरे कोने में दबी पड़ी रहती है, और उसे जगाने के लिए एक कदम उठाने की जरूरत है, एक कमिटमेंट की जरूरत है। एंड वंस यू डू दैट, देखोगे कि जिंदगी एक्सपोनेंशियली चेंज होती जा रही, नित्यदिन करने वाली क्रियाएं तुम्हारी ऊर्जा लेवल में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। तो ये शारीरिक बल नहीं होता, ये मनोबल होता है। जीवन में मनोबल जरूरी है, शारीरिक बल तो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मन से तैयार हो गए उसे ग्रहण करने के लिए, वो समय देने के लिए, वो अनुशासन के लिए। मूर्खतापूर्ण निर्णय था इन व्यक्ति का, इन्होंने सोचा आगे वाली गाड़ी नहीं हट रही है तो ये पीछे लाने लगी। ठीक है भाई, इन लोगों से बहस करना ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन, इसलिए हम नहीं करेंगे, हम बन जाएंगे यहाँ पर मिस्टर बीन। सीधा आगे अपनी धुन में चलते हुए, इग्नोरेंस लेवल को हाई रखते हुए, टॉलरेंस लेवल को हाई रखते हुए तभी कर सकते हो भाई ये। दीज स्ट्रीट्स आर नॉट फॉर द बिगिनर्स। दोस्त, अगर मैं तुमसे कहूं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मैट्रिक्स के कोड को क्रैक कर दिया है, उलझा हुआ था इसे सुलझा दिया, इस गुत्थी को ब्रेक डाउन कर दिया है, वुड यू बिलीव मी। आई नो यू वॉन्ट, बट तुम्हें प्रमाण के साथ अगर ये बात कहूं तो देन यू माइट से यस। तो प्रमाण तुम्हें आज मैं देने वाला हूँ, आज मैं तुम्हें वो चीज़ बताने वाला हूँ, रहस्य बताने वाला हूँ, जो इंस्टाग्राम के अंदर तुम्हें एक ऑर्गेनिक ऑडियंस, एक कम्युनिटी बिल्टअप करने में मदद करेगा। हर चीज़ की तरह यहाँ भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं, तो वो तुम्हें आज के व्लॉग में पता चलेगा। इस चीज़ का मुझे घमंड है, इस चीज़ का मुझे गर्व है कि मैंने एक भी फॉलोअर कहीं से फेक नकली नहीं बाय करा। इंस्टाग्राम के अंदर जब सब्सक्राइबर्स की बात आती है तो आज का युग वो है जहाँ फेक सब्सक्राइबर्स तुम्हारे ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर से काफ़ी हद तक, काफ़ी आंकड़ों में अधिक हैं। बहुत लोगों के, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के बात को नहीं प्रमाणित कर सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा व्यूज़ और फॉलोवर्स आज के युग में ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट हो गए हैं तुम्हारी पहचान बिल्ड करने के लिए, ब्रांड प्रमोशंस के लिए। पोस्ट 1000 से ऊपर होने वाले हैं प्रीवियस अकाउंट में, मेरा जो रिसेंट अकाउंट है उसमें 80-90 सब्सक्राइबर्स हैं, 8 से 9 फ्री स्टाइल हिप हॉप म्यूजिक वीडियोज़ रील्स पोस्ट करने के बाद, कि मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ फेक फॉलोवर्स के। यदि मैं चाहता तो
तीन चार साल में जितना पैसा मैंने अपने लाइफस्टाइल ब्लॉग्स में लगाया और जितना अपने अकाउंट्स में लगाया, इतना पैसा फेक फॉलोअर्स खरीदने में लगा सकता था, उसे बढ़ाने में लगा सकता था। बट मैं इस प्लेटफॉर्म में अपने मन की संतुष्टि के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुछ देने, कुछ मोल ऐड करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ, कुछ वैल्यू देने के लिए इस प्लेटफॉर्म में आया हूँ। और वो चीज फेक सब्सक्राइबर खरीद लेता हूँ तो दैट डजंट मेक सेंस। एक एक को सींचा है, जैसे इस खेत में इन सब्जियों को सींच रहा है ना किसान, उस तरह से मैंने अपने फॉलोअर्स को सींचा है। कम्युनिटी छोटी सही बट लॉयल है। सो ये ख्याल तो अपने दिमाग से हटा दो कि मैं कोई फेक प्रोपोगेंडा, किसी नकली ऐप का प्रचार प्रसार आपसे करूंगा आज के वीडियो में, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी वेबसाइट का लिंक आपको दूंगा, ये सब कुछ नहीं है। आपकी जेन्युइन, आपके परिश्रम से, नित्य दिन किए गए परिश्रम से, हर सेकंड किए गए परिश्रम से आप अपने एक एक फॉलोअर को बढ़ते हुए देखोगे, और ये प्रमाणित है। प्रमाण मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। आप अपने प्रयासों से ऊपर बढ़ोगे, संगठन की तरह आप आगे बढ़ोगे, लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, वो ना केवल डेड अकाउंट है, वो एक्टिव अकाउंट्स होंगे। आज का मेरा ब्लॉग इसी के ऊपर रहेगा कि मेहनत से कमाए गए फॉलोअर्स की अहमियत होती है, क्योंकि मेहनत से तुम उसका दिल जीतोगे जिसके अंदर प्राण है। डेड अकाउंट्स पड़े हुए तुम्हारे मन के ऊपर, वो एक तरह से मलहम का काम करते हैं। लॉन्ग टर्म में तुम्हें शुगर भी तो देते हैं, क्योंकि उससे प्राप्त कुछ नहीं होता ना, उससे तुम बीमार होते जाते हो और बीमार। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे फॉलोइंग लिस्ट इतनी बड़ी, वो डेड अकाउंट्स का एक भंडार है खाली, निर्जीव अकाउंट्स, हु डोंट हैव लाइफ, लाइफलेस अकाउंट्स है ना फेक फॉलोअर्स। वो तुम्हें ये सेटिस्फेक्शन तो दे सकते हैं कि ठीक है मेरे पर गिनती बढ़ गई, लेकिन उस गिनती को तुम ही तो देख रहे हो, कौन देखेगा। अब वहीं पर अगर किसी आदमी के सब्सक्राइबर्स हैं, एक्टिव अकाउंट्स हैं, 4000 लोग रोज जो पोस्ट हो रहा है उसको देख रहे हैं, उसमें एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, गतिविधि हो रही है तुम्हारे पोस्ट के नीचे। अब अगर डेड अकाउंट है तो वो ना वो कमेंट कर सकता है, ना लाइक कर सकता है, ना शेयर कर सकता है। और यही तीन सूत्रों से सोशल मीडिया जिंदा है। तीन सूत्रों को गांठ बांधकर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया में आगे बढ़ा है। तेरे पास ये वैल्यू ऐड करने के लिए है ही नहीं, तो वो तुम्हारे लिए यूजलेस हो गए ना, एक दिखावा हो गया ऊपर का, पर भीतर का रहस्य, भीतर की हकीकत तुम जानते हो। तो तुम्हारा जब इतना हो ही गया, थोड़ा और सही, क्यों सही बात है, कम से कम तुम्हें अच्छा तो लगे, अच्छा तो लगे गाड़ियों के, देखो मेरा क्वालिटी तो सही है भाई, और ये हेडर भी बढ़िया ला रहे, तुम टाइटेनियम लग रहे हैं, ये होगी बेंडेबल होगी ना, ये इसकी कहानी बताओ कुछ, इस आयरन मैन की कहानी बताओ, सिल्वर आयरन मैन की, रेड एंड सिल्वर थीम के साथ। तो आयरन मैन का मुझे लग रहा है फिलहाल क्लच प्लेटें निकली हुई हैं, आयरन मैन का जो ये है आपका क्या कहते हैं इसे, इंजन कवर, वो भी उतारा हुआ है, आयरन मैन की लाइट्स भी फिटेड है, आयरन मैन में रैप भी हो रखा है, मॉड्स अच्छे अच्छे हो रखे हैं, पर क्या कच्चा रह गया, ये गाड़ी पका हुआ तो सब है, दिखने में अंदर से जो गाड़ी क्लच के पार्ट है वो खराब पड़े हैं, गाड़ी चलाओगे तो तुम कहोगे इससे बढ़िया मैं स्प्लेंडर चलाऊंगा। 40 के बाद गाड़ी सुपर बाइक भगा रहे हैं, 40 से ऊपर गाड़ी भाग नहीं है, रेस रेस आगे गाड़ी की, आगे भाग नहीं रही गाड़ी। तो मतलब ये क्लच प्लेट की सेटिंग जो नहीं बैठ पा रही, मैं कुछ गड़बड़ हो गया बैठाने में, क्लच प्लेट हुक गई, दो दिन में हुक गई, तो ये तो बहुत मोटा बिल बैठ गया होगा जिस भाई की है, 40-50 का तो बिल बैठ गया होगा इसी क्लच प्लेट का, फिर अब नई सेट डलेगा, पूरा सेट डल रहा है क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट, तो ये तो उनका मोटा नुकसान हो गया, एक तरह से गाढ़ा नुकसान जिसे हम कहते हैं ना, गाढ़ा बिल्कुल। बाइकों का ये होता है कि अगर सही मैकेनिक हो निकाला तभी ये सही बजट में आपका काम रहेगा, और काम गाड़ी अच्छी ड्राइव कर ज्यादा दिन तक चलेगी, कोई मतलब नया लगा लगाया सामान भी फॉल्ट मार सकता है यदि उसे सही तरह से बैठाया नहीं गया तो, यही सिस्टम है। और महंगा बहुत है इन गाड़ियों का सामान, इन्हें पालना ऐसा हो गया जैसे कि एक अगर कोहिनूर तुम अपने पास रखते हो तो कोहिनूर को फिर तुम्हें सहेज के रखने के लिए भी लाखों अरबों रुपए चाहिए उसकी सिक्योरिटी के लिए, उस प्रिजर्वेशन के लिए, तो ये कोहिनूर ही है एक प्रकार का सुपर बाइक्स के नाम पे। अब मैंने लगाई है इसमें अपने वाले, ये दिखाता हूं इसकी क्वालिटी, दिखाता हूं मैं आपको, ये डेविल है इसका टेल लाइट, ये फोग लैंप देखो, प्रो देखो आप आगे देख सकते हो, एक एक फोग लैंप का प्रो है, इसमें वाइट भी जलेगी, आप दोनों मिक्स भी होएगी और येलो भी जलेगी, वाइट भी जलेगी, और इधर करोगे तो रेड पार्किंग। तीन तरह के इसमें मोड्स हैं जिससे तीन प्रकार की लाइट्स निकल सकती हैं, और लाइट का थ्रो जो है
वो इतना जबरदस्त है कि दिन दोपहरी में भी इसकी रोशनी जो है वो वहां तक जाकर स्पष्ट क्लियर नजर आ रही है। एरिया ये कवर कर रही है ना, उस एरिया पे ये बेतोड़ बादशाह। ये हेडर जिस गाड़ी में लगेंगे वो देहरादून की पहली बाइक होगी जिसमें हेडर्स लगे। अभी तक के कोई देहरादून में किसी बाइक में ये हेडर्स टाइटेनियम दिखा नहीं रहा। प्रॉपर टाइटेनियम है भाई, उसका जो कलर बदल रहा है ना वो रंग ही बता रहा है उसकी पहचान, जो कलर चेंजिंग थीम है उसका। तो सफर में हमें कौन मिल गया है इस हसीन सफर में? सबसे पहले तो मेरे हाथ हो गए हैं काले क्योंकि मैं गया था अल्ताफ भाई की शॉप में। मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग होते हैं वो कोयले की भट्टी में रहते हैं और तप कर निखरते हैं। और यहाँ पे कौन है, एक और चीज़ है जो तपन से निखरी है, वो है अपनी Z900, अपन की Z900। तो आज हमारे साथ है फ्रेम में अल्ताफ भाई। क्या कहेंगे फिर आप हमारे सब्सक्राइबर को जनाब? जनाबे आली कुछ बताइए हमें। कहना चाहूंगा कि प्यार बरसाइए हमारे त्रिनेत्र भाई पे खूब। सब्सक्राइब कराइए, जैसे अल्ताफ भाई की दुकान में बाइकें बढ़ती जा रही। नॉट ओनली बाइक्स, सुपर बाइक्स, पावरफुल मशीन्स, ऐसी पावरफुल आर्मी हमारी भी बन जाए ना तो मजा आ जाए। यानी सेना है हम, सेना संगठन बनाते हैं। इतना आसान नहीं होता, बना के डाल दिए, एडिट करने होते, बहुत टाइम लगता है। थोड़ा तो प्यार भी दिखा सकते हो। जब हम दिन रात गाड़ियों पर मेहनत कर रहे हैं और अपने ऊपर, सबसे बड़ी बात क्यों अल्ताफ भाई, जब आप किसी गाड़ी पे मेहनत करते हो हुनर पे भी तो मेहनत कर रहे हो आप, उसे निखारने में मेहनत कर रहे हो, हर बार आपका हाथ और सदर है गाड़ी पे। तो जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपको डिलीवर भी कर रहे हैं, डिड प्रॉमिसेस, जो वादे हमने किए वो डिलीवर भी हो रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ा सपोर्ट तो बनता है। तो ठीक है भाई, सपोर्ट एजेंसी को लेके हमारी जो सपोर्ट एजेंसी है अल्ताफ भाई, हमारी जब बाइक SOS कॉल लगती है तो सबसे पहला नंबर इनका घूमता है कि भाई कुछ भी 900 के अंदर खामी कमी कुछ भी अगर आ गई, ऊंच नीच हो गई, तो जो ऊंच नीच को वापस से समतल बनाता है, बैलेंस करता है, वो है अल्ताफ भाई, बैलेंस बंदे। तो ठीक है ब्रो, चलते हैं अपनी 900 को लेके, अपने मास्टरमाइंड को लेके, जो बाइक्स के मास्टरमाइंड है, सुपर बाइक्स के मास्टरमाइंड। और आज आपको मैंने भाई तुम्हें मैं आज सीक्रेट रिवील करने वाला हूँ, ट्रेंड विच इज़ गोइंग वायरल ऑन इंस्टाग्राम, और कोई फर्जीवाड़ा नहीं, ऑर्गेनिक तरह से, बिल्कुल प्राकृतिक तरह से तुम्हारे नेचुरली फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज होंगे, कैसे तुम अकाउंट में एंगेजमेंट बढ़ाओगे, किस तरह से तुम लोगों से जुड़ोगे, तो वो रहस्य आज मैं तुम्हारे सामने खोलने जा रहा हूँ। आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ मैट्रिक की इस गहरी खाई में किसने उजाला कर दिया है, किसने एक रोशनी ले आई है, एल्गोरिदम को किसने ब्रेक डाउन कर दिया है, एल्गोरिदम चूर चूर हो चुका है और आज सबके हाथ में वो पावर आ चुके हैं। बट यहाँ पे भी मेहनत है बॉस। अल्ताफ भाई देखो, बिना मेहनत के धरती में कुआं नहीं खोदा जा सकता, पानी नहीं निकाला जा सकता, तो परिश्रम तो लगेगा, पर यह कि रिजल्ट मिलेगा। स्कीम वही अच्छी होती है कि जिसमें रिजल्ट मिले, परिश्रम तो लगे लगे, बिना परिश्रम के तो स्कैम हो गया है नहीं। चलो फिर चलते हैं आगे गाइस। तो ताऊ भाई कह रहे इतनी भी क्या तेरे को खुड़की रहती, कहीं भी बनाने लग जाते हो कि ब्लॉग, तुम्हें बेशरम बनना पड़ेगा जमाने के आगे कि तुमने कोई पाप तो किया नहीं जो हम जमाने से छुपे। जब हमने कोई पाप किया नहीं तो हम क्यों जमाने से छुपे, हमें तो दिखना चाहिए, अपने हुनर को फैलाना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए अपने काम से, अपने टैलेंट से। मैं पहले ना यही सोचता संसार से थोड़ा अलग रहता हूँ, या हजार लोगों के बीच में बैठकर हजार बातें होंगी तो व्यर्थ हो जाएगा जीवन, या किसी को मेरी बात भली लगी, किसी को बुरी लगी। फिर मैंने सोचा कि किसी को भली लगी तो वो मेरा चाहने वाला बन के जीवन भर मेरा साथ निभाएगा, किसी को बुरी लगी तो वो आगे बढ़ जाएगा, दिल में बैठाएगा कि वो बैंकर जीवन भर मेरे को कोसता रहेगा। एक ही बार तो बोलेगा ठीक है, नहीं जमी, अगली बार भूल जाएगा क्यों। लेकिन अगर मैं प्रयास करना छोड़ दूं, इस चक्कर से मैं दिखना छोड़ दूं, समझ रहे हो, चमकना छोड़ दूं, तो चांद की रोशनी तो फीकी पड़ जाएगी। तो प्रयासबद्ध रहना चाहिए और अपने जो काम है ना, जैसे आप बाइक आई 900, सपोज दुनिया का अरबपति से अरबपति आदमी भी वहां आके बैठा होगा ना, आप अपने कार्य को सबसे प्रथम अहमियत दोगे, तो आपको शर्माने की नहीं, आपको गौरवान्वित करने वाला काम है हमारा जो रोजगार है। जैसे डॉली चाय वाला है, देख लो भाई, बिल गेट्स आके उसके यहाँ चाय पी के चला गया, वो भी शर्मा जाता कि यार भाई मैं चाय बेच रहा हूँ, ये है वो है। उसे समर्पित होना चाहिए अपने काम को लेके, ध्यान मग्न। हाँ कहा था उसने शाहरुख खान ने, धंधा छोटा बड़ा और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो वही तो आइडियोलॉजी, वही तो मैं कहता हूँ कि यार अगर अपने काम को करने में हमें सेकंड थॉट आ रहा है ना, जो काम हम करते हैं तो व्यर्थ है अपना जीवन, क्योंकि जिस कार्य को हमने इतना समय दिया, इतने साल दिए, अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, जिस क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे हम तो उसी कार्य से मुंह छुपा रहे हैं जिस कार्य ने हमें आवाज दी। क्योंकि वैसी है ना घाटी, ऐसे ऊपर चढ़ती नीची, तो उसमें सन का क्या है, रिफ्लेक्शन पड़ता है तो बढ़िया लगता है। स्पीड से परहेज तो नहीं है ना, अगर मैं इसको पेल दूं अभी, गतिवान हो जाऊं, तीव्र गति से आगे की तरफ धारा प्रवाह हो जाऊं, नहीं है ना भाव, वही होता है यार। देखो पूछना पड़ता है ना, एक भाई है मेरे साथ के, तो उनको थोड़ा गति से अंतर मन जो है वो घबरा जाता है। हाँ तो वही मैं कह रहा, बस देखो ब्लड लाइन एक ही है ना हमारा,
ये सूझबूझ भी तो चलते चलते विकसित होती है। हम राइडर हैं, हम वाहन चालक हैं, हम इससे जुड़े हुए हैं, हमारा मतलब जीवन इससे जुड़ा है। जो धड़कन है वो तब धड़कती है जब इंजन की गति बढ़ती है। तो ये हमारा क्या, ये फिलॉसफी है, हम लोगों को पता है। जैसे आप कह रहे हो ना, अनुमान लगाना कि कहाँ पेलनी है और कहाँ पर झेलना है, कहाँ झेलनी है कहाँ पेलनी है। कई जगह पे जहाँ ट्रैफिक है वहाँ झेलो, तो यही तो साधना है। इसी को तो कहते हैं हम कि भाई काम नहीं बन रहा, आपने क्लच प्लेट लगाई, सब कुछ सेट कर दिया, पर एक पेंच रह जा रहा है कहीं पे। अब वो एक पेंच के लिए आपको धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, कामनेस। तो वही थ्रॉटल घुमाते हुए ना, जहाँ भीड़ है मन कर रहा है भगाने का, बट यू हैव टू सस्टेन देयर। और जहाँ पर मौका मिले वहाँ तुम्हें जा सकते हो आप प्रकाश की गति से आगे, पर मौका मिलने पे। वह फिर हम भी पहलते हैं इसी फिलॉसफी को याद रखते हुए दिमाग में। देखो जब एक राइडर होता है तो तबाही होती है, जब दो राइडर मिल जाते हैं चाहे वो पिलियन ही क्यों ना बैठा हुआ हो, हौसले बुलंद हो जाते हैं, गति बढ़ जाती है, भुजाओं में बल जो है वो पंप हो जाता है, और फिर उसके बाद फ्रंट टायर जो है वो जंप हो जाता है कभी कभी। बट ठीक है, यहाँ पे जरा कटिंग गेम खेलते हैं हम। ठीक है अलताओ भाई, चलो फिर आज प्रॉपर मजे लेंगे हम, क्योंकि आज क्या अपना पिलियन भी एग्रीड है, एग्रीमेंट में साइन करके बैठे हुए हैं कि वी गोना डू इट। बट थोड़ा सा ये है कि जरा सी जगह मिले, जरा सी। अलताओ भाई आज तुम्हें दिखाऊंगा मैं स्किल्स है। अरे यार अलताओ भाई, भाई साहब अलताओ भाई कह रहे आराम से। अरे ये क्या हो गया अलताओ भाई, ये तो तुमने मूड बदल दी, बहुत खतरनाक है अलताओ भाई है, भयभीत करने वाली। हाँ अकेले में तो मैं इस डर को चेरिश करता हूँ अपने अंदर ना, इस डर को मैं इंजॉय करता हूँ, आनंद लेता हूँ इसका। टायर फिसल जाए और फिर कब फिसल कर खड़ा हो जाए, जैसे वो नहीं होता यो यो खेलते थे हम बचपन में, नीचे जाता था फिर जंप करके वापस आ जाता था ऊपर। दैट्स हाउ लाइफ इज। ये जो चक्के हैं ना दो बाइक के, ये चक्के भी ऐसे चिपकते हैं और फिर वापस खड़े हो जाते हैं। यार मौका नहीं मिल रहा है, मैं मौका परस्त व्यक्ति को मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हाँ हाँ भाई साहब, दिस इज कॉल्ड हाथ सदैव। इसे कहते हैं कि योद्धा जब खूंखार हो तो अन्य योद्धा भी उसे देखकर समर्पित हो जाते हैं। तो अलताओ भाई ने समर्पण दे दिया अपना, अलताओ भाई ने हथियार डाल दिया, कह रहे हैं फिलहाल मेरे बस का नहीं है भाई, तुम आराम से चलो। चलो सर ऐसे मत चलो यार, मौका मिलना चाहिए बस। अगला वो मैं बन सकता हूँ फिर गति के मामले में जो पाताल लोक से आकाश लोक तक की नपवा दे ऊंचाई, धरती से आसमान तक की कुछ क्षणों में। हाँ वो तो है यार, पर फिर ये भाई की हाथ में इतने समय से सिद्ध भी तो हो गए, हाथ करते करते सद गए ना वो चलते चलते। बोले अलताओ भाई तुम ये बोलते होगे कि मोहब्बत का शरबत पिला दूंगा तुझे, पर बियर मेरे से ना मांग, ये मेरे हाथ से बाहर की बात है क्योंकि मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। यहाँ इन्वेस्टमेंट वाली बात है कि तुम काम कर रहे हो, तुम्हें बाइक्स का नॉलेज है, मॉडिफिकेशंस तुम्हें पता है कैसे क्या होती हैं, क्लाइंट की डिमांड होगी तभी तो तुम मॉडिफाई करोगे चीज़ों को। जब क्लाइंट वो पैसा लगाने के लिए तैयार है, कह रहा कि इलीगल मॉड्स वगैरह के इंजन बदल दो, मौजूदा इंजन है ना उसमें भी परिवर्तन करके उसकी पावर रेशियो में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हो। जब एक गाड़ी के साथ वक्त बिताते उड़ते हो तुम उस गाड़ी के साथ, वो इनिशियल टाइम मैंने इसे दे चुका है तो मैं इसे समझने लगा, इसे चेंज करूंगा, जितना बेहतर मैं इसे समझता हूं, मैं इस इंजन को समझता हूं, मुझे दूसरी गाड़ी को समझने में उतना वक्त लग जाएगा। और कमी किसी चीज की नहीं है इस गाड़ी में, तुम नई गाड़ी लेते हो तुम्हें उसके फीचर्स ही नहीं पता, एक साल तो तुम्हें उसमें हाथ बैठाने में लग जाए, बारे में जानकारी होती है तुम्हें, पता होता है कि इसमें क्या बदलना चाहिए, इसमें क्या बेहतर हो सकता है और इसमें क्या माइनस पॉइंट्स हैं। गाड़ी का अंदाजा नहीं, चला दे रहे हो सीधा भगा दे रहे हो, कई बार एक्सीडेंटल हो जाती हैं चीजें, घटनाएं घट जाती हैं। 900 तो 900 रहेगी, 900 को बेचने से पहले मुझे लगता है मुझे बहुत विचार सोच विचार करना पड़ेगा, और गहन तौर पर अंदर से ना मेरे को मतलब ये सेक्रीफाइस वाली फीलिंग है एक तरह से, जैसे तुम अपने हाथ से पाले पोसे किसी जानवर को जंगल में छोड़ के आ जाओ, तुम उसे अबेंडेंड कर दो, तो इसे अबेंडेंड करने से पहले मेरे को बहुत सोचना पड़ेगा। जीवन में इतना सरल नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि इसे लेने में एक क्षण लगा पर इसे देने में इसे देने में जीवन बीत जाएगा, क्योंकि मोहब्बत है नॉट ओनली बाइक, इट्स प्रेम रोग, प्रेम रोग।
ठीक है दोस्तों, एक वादा आपसे किया था कि ऑर्गेनिक ऑडियंस बिल्टअप करना सिखाऊंगा आपको इंस्टाग्राम के अंदर, हर एक प्रति क्लिक पे एक सब्सक्राइबर बढ़ेगा, इस व्लॉग को देखने का आपका फायदा होगा। और दैट्स माय कमिटमेंट कि अगर 10 क्लिक्स करोगे ना तो उसमें से कम 7 से 8 सब्सक्राइबर तो तुम्हें गेन होंगे। तो विदाउट वीडियो को ज्यादा लंबा खींचे मैं आपको सीधा सॉल्यूशन बताता हूँ कि हाउ यू गोना डू दैट। ओके, तो अब यहाँ पे स्क्रीन पे फोकस करो। सबसे पहले तो तुम्हें प्रूफ देना जरूरी है दैट व्हाट आई एम सेइंग इज ऑथेंटिक एंड जेन्युइन। तो सबसे बड़ा क्या होता है लोगों को कि किसी वेबसाइट के थ्रू जाकर हमें ऑडियंस खरीदनी पड़ेगी, और वो ऑडियंस जब हम खरीदेंगे तो वो डेड सब्सक्राइबर्स, जिन सब्सक्राइबर्स का कोई मूल्य नहीं है, डेड अकाउंट्स। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक एक्टिव अकाउंट को इंगेज करने के लिए अपने चैनल पर, अपनी वीडियोस पर, तुम्हें सिर्फ एक क्लिक करना है, वुड यू बिलीव मी? तुम्हें लाइव एग्जांपल देता हूं सबसे पहले, करके दिखाने से पहले। 121 मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर आप बगल वाली स्क्रीन में देख सकते हो तो आपको दिख रहा होगा कि मेरे 9 सब्सक्राइबर थे आज से लगभग 1.5 दिन पहले। 1.5 दिन के अंदर मैंने 100 से 150 सब्सक्राइबर गेन करे, और वो सब्सक्राइबर सारे एक्टिव, समझ रहे हो, सक्रिय सब्सक्राइबर्स हैं जो इस समय पर, यहाँ आप देख सकते हैं लिस्ट एंड होने का नाम ही नहीं ले रही है, लिस्ट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, देख सकते हो आप। ये सारा इंगेजमेंट विद इन द टाइम स्पैन ऑफ 2 डेज मुझे गेन हुआ है। ये ऑडियंस, रनिंग ऑडियंस, जिनकी स्टोरीज भी पोस्टेड हैं, जो इस समय पर अकाउंट जो हैं वो इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं मेरे चैनल पर। तो ये कैसे होता है? There's a trend going on, फिलहाल अगर मैं बताऊँ आपको सोशल मीडिया के अंदर, जिसने इसकी शुरुआत करी उसने मैट्रिक्स को ब्रेक डाउन करने के लिए एक तरीका ढूंढा। वो तरीका क्या था कि जो भी व्यक्ति आपके कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेगा आपको उसका कमेंट लाइक करना है। वंस यू लाइक इट, वो व्यक्ति का फर्ज बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है दैट ही शुड फॉलो यू बैक। आपको फॉलो बैक करेगा, आपने उसे फॉलो बैक कर देना है। इस तरह से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक ऑर्गेनिक ऑडियंस ग्रो अप होगी, एक्टिव है इंस्टाग्राम के अंदर, जिस अकाउंट का कोई अस्तित्व है, बॉट नहीं है, इसके पीछे एक जीता जागता आदमी बैठा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये देख रहे हो आप, टीम वर्क, टीम वर्क, टीम वर्क, ये एक ऐसा एल्गोरिदम है तरीके से इस समय पे मुझे लगता है इंस्टाग्राम के अंदर बहुत लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और एक तरह से मैट्रिक्स को ये चीज़ ब्रेक डाउन करके इजी हो चुका है, मैट्रिक्स का जो माया जाल है वो सुलझ चुका है आपके लिए। एल्गोरिदम अब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा, आप उसे ब्रेक डाउन कर सकते हो। एक बुद्धिमान आदमी जो है ना, जैसे एक खराब मछली पूरे जल को प्रदूषित करती है, वैसी एक बुद्धिमान मछली पूरे जल को जो है साफ करने के लिए काफ़ी है। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क, ये सारा टीम वर्क है, और देख सकते हो आप इसमें 66 लाइक्स हैं, किसी में 150, 200, 1000 तक भी लाइक्स हैं, और ये चीज़ रियल में होती है उसका सबूत मेरी नोटिफिकेशन सेक्शन है, उसमें ये इंगेजिंग ऑडियंस देखकर आपको समझ आ रहा होगा। यू हैव टू डू इज यू डोंट हैव टू टाइप टीम वर्क, यू जस्ट हैव टू सी दीज रील्स ऑन सोशल मीडिया, और उस पर आपको लाइक करते जाना है। अनलिमिटेड कमेंट्स, आप अनलिमिटेड लाइक्स कर सकते हैं। अगर 10 लोगों को आप लाइक कर रहे हैं तो ये मान के चलिए 7 आपके पोटेंशियल फॉलोवर्स होंगे जो आपको फॉलो बैक करेंगे। दिस इज द हैशटैग टीमवर्क ट्रेंड कर रहा है। जानकारी जिसको नहीं है उसको मैं ये व्लॉग के माध्यम से वो जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ गाइज, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में पूछा, सबको इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट, और जो अवेयर हैं उन्हें इसके बीच का अंतर, इसके बीच का डिफरेंस नहीं पता कि एक फेक वेबसाइट से फॉलोवर्स को खरीदना, एक जेन्युइन फैन बेस बिल्ट अप करना। तो वो चीज़ मैं आपके सामने थोड़ा इजीली सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, आपके सामने इजीली क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि इन दोनों चीज़ों के बीच में अंतर क्या है। अगर आपको लगता है कि ये बॉट वाला सिस्टम है या ये फेकिज्म है, फेक शिट है, तो आपको ये बता दूं कि ये फेक नहीं है। इसमें जितने पर क्लिक आप करोगे ना आपके उतने सब्सक्राइबर्स गेन होंगे, यानी कि इन एवरी क्लिक यू आर गोना गैदर अप, यू गोना बिल्ट अप अ कम्युनिटी, उसको आप एक लेवल ऊपर ले जा रहे हो। ऑब्वियसली काफ़ी लोग हैं जो आपको शायद से 10 में से 3 या 4 नंबर ऐसे होंगे जो शायद से आपको फॉलो बैक ना करें, बट मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू डू सो, और वही आपको भी करना है ईमानदारी से। अगर आप नहीं भी करते, 7 फॉलोअर गेन हो रहे हैं उसमें से 2 आपको अनफॉलो करेंगे, बट 5 आर स्टिल गोना बी देयर फॉर यू। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे कॉन्सेप्ट कितना ईजी है। दोस्तों ये नंबर ना रुकेंगे नहीं, ये नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि मैं इधर से लाइक्स बढ़ाता जा रहा हूँ। सो यू कैन ऑल्सो डू दिस, छोटी सी टेक्निक है बट बहुत लाभकारी है चैनल के लिए, आपके अकाउंट के ग्रो। ए नेपाली भाई लोगों को पूरा प्यार, हम लगाएंगे भाई के कुछ सुरों पर ताल, साथ में जोड़ के चलेंगे हम जैसे शताब्दी एक्सप्रेस।